अच्छा जी, अब हम लोग तीसरी कॉल की तरफ जाने वाले हैं। हमारे शो की तीसरी कॉल क्या होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग। चलो, अभी एक साहब हैं, उनके बारे में हमें किसी ने नंबर दिया उनका। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया। उन्होंने कहा यार ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे, आप इनको कॉल करें और इनका कटाकट बनाओ। सो लेट सी कि क्या होता है। बिस्मिल्लाह, आवाज़ बढ़ाएं जी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कामयाबी, हुकूमती हिदायत। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक भाई बात कर रहे हैं? जी जी। मुबारक भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको कॉल करके? नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, आप मुझे जानते नहीं हैं। आप एक दफ़ा आए थे, बोल आए थे, याद है आपको? जी जी, मैं हाँ आया था। कोई आज से 4 साल पहले, मेरा ख्याल है 3 साल पहले। आप मिमिक्री करते हैं ना? आप मिमिक्री करते हैं ना? जी हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका नंबर हमें मिला, एक प्रोजेक्ट है हमारा, तो बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट है वो, तो इसलिए मैंने आपको कॉल की। मेरे जहन में मिमिक्री आर्टिस्ट का जब भी वो होता है, मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आपका नंबर था, तो मैंने कहा आपको कॉल करूँ। हमारे वो HR से मैंने लिया था आपका नंबर। अच्छा अच्छा तो आपके आजकल क्या मसरूफियात हैं सर? आजकल थोड़ा कुछ IVR का काम है, और बाकी अर्तगल गाजी हैं, कुछ कार्टून्स वगैरह हैं। अच्छा, बस ये डबिंग शूटिंग का काम चल रहा है। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डबिंग किसके पास कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? डबिंग मैं प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, अर्तगल गाजी। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, आप आर्टिस्टों की मिमिक्री कर लेते हो ना? जी जी। तो मुझे आप 2-4 सैंपल सुना सकते हैं? सर आपने अपना इसमें ग्राम ही नहीं बताया मुझे। मेरा नाम सर जैन है। अच्छा जैन साहब। जी जी सर, आपसे तो हाँ ठीक है मुलाकात हुई थी, आपने और खावर भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे खावर भाई ने ही बोला कि आपको कॉल कर लूं। अच्छा अच्छा, हाँ तो कुछ सुना तो दें। क्या है, आप मुझे करेक्टर सुना दें 2-5 अच्छे से। चलिए जी, मैं छोटे छोटे गरीब आपको सुना देता हूँ। जी सुनाए सुनाए। जैसे हमारे बच्चन साहब हुए हैं, भाई इस कॉलोनी में मीना जी रहती हैं, शायद आप उन्हें जानते हो, बड़ी मशहूर कलाकार हैं, टीवी पर अभी अभी उनका गाना आ रहा था, अगर आप उनका पता बता दें तो। अरे देखिए देखिए भाई साहब, अरे देख कमाल करते हो भाई। हाँ ये बच्चन साहब हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। अब संजय दत्त पे आ जाते हैं। हाँ जी आ जाए। हे सर्किट, अरे टेंशन नहीं लेने का, वेट करने का, बोले तो अपुन मुन्ना भाई बात करेला। देख तेरे पल्ले दर्जे के शराबी ने तुझे छू लिया है, अरे हाथ थाम लिया है तेरा, उठ और उठकर दोबारा हिन्नी की तरह जंगल में कूद जा। अरे लोग खफा हो जाते हैं, पर तेरी तरह मर तो नहीं जाते। ये संजय दत्त हो गए। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब मथन की तरफ आ जाते हैं। मुझे मालूम था कि आप मुझे इस वक्त कॉल जरूर करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि सूरज जब करीब आने लगे तो आसार बुरे होते हैं, दबी हुई चिंगारी को हवा दोगे तो शोले भड़क उठेंगे। वैशाख अपना स्टाइल जरा इंग्लिश है, ओए पंगा नहीं लेना वरना मिट्टी में मिला दूंगा। क्या बात, मथन हो गया, मथन हो गया, वेरी गुड। अब अजय देवगन को ले लें। ए जी, अपना भी स्टाइल है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो दिमाग में भी नहीं, छोड़ दो मुझे, भाग जाऊंगा मैं यहाँ से, दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती, भाग जाऊंगा मैं यहाँ से। ये हो गया। बहुत आला बहुत आला। अच्छा मुबारक भाई। जी जी। मैं असल में आपको बताता हूँ मैंने आपको फ़ोन क्यों किया। मैंने फ़ोन इसलिए किया, मेरा एक दोस्त है यहीं पे मेरे साथ बैठा हुआ है, इसका नाम है इखलास। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, करिए। अच्छा अब मैं आपको मसला बताता हूँ, मेरे जहन में आप क्यों आए, आप मेरे जहन में इसलिए आ गए, पर्सनल सी ये वो है, इसका ना एक्चुअली एक जगह रिश्ता हुआ है। अच्छा। और ऑब्वियसली यार आजकल का दौर अलग है, इसके घर वालों ने इसका बात पक्की कर दी है, लेकिन ये वहाँ नहीं करना चाहता शादी। अच्छा। अब आपकी हमें ज़रूरत कहाँ आ रही है, आपको हम इनके अब्बू की आवाज़ सुनाएंगे, आपने फ़ोन करके ना लड़की वालों को मना करना है। लड़की वालों को मना करना है कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। बस आपने कुछ बहाना करना है, कोई ऐसी बात करनी है कि आप कहाँ दे रहे हो अपनी लड़की, आप कोई ऐसी बात कर दो कि ना वो ना मना कर दें रिश्ते से खुद ही, तो इसके अब्बू की आवाज़ हम आपको सुना देंगे। फिर ये कटाकट वाला शो तो नहीं चल रहा। <laughs>
बंदे ने पकड़ लिया, यहाँ पे बंदे ने पकड़ लिया। ये कटाकट वाला ही चल रहा है भाईजान, कटाकट वाला ही चल रहा है। अब आप यार आर्टिस्ट आदमी, अब आर्टिस्ट में ज्यादा मैं आगे खींचना नहीं चाहता था खुद से। लेकिन आप करवा तो सकते हो ना ये काम? हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। चले कभी अगर जिंदगी में इसके ऐसा वक्त आया तो हम आपकी मदद जरूर लेंगे घर तोड़वाने के लिए। चले चले बिल्कुल बिल्कुल जैन साहब, मेरी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने कॉल की यार। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान का सरमाया है और वैसे बड़े अच्छे इंसान है आप, हौसला देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं आप लोगों को। मैं शो देखता हूँ आपका। थैंक यू। ठीक है ना, और वैसे ही माशाल्लाह लोग गायबाना तारुफ रहता है आपसे। थैंक यू सो मच। मेरी कभी भी आपको जरूरत पड़े किसी शो के हवाले से, कोई आप शो ऑर्गेनाइज करें तो मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आ जाऊंगा। बिल्कुल आप याद रहते हैं, तभी आपको हमने आज कॉल भी किया अचानक। और खावर भाई ने मुझे बोलता कि यार मुबारक को कॉल कर लो, उसका कटाकट बना दो। बस सर खावर भाई को देख के सीखे हम थोड़ा बहुत। वाह 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 वाह, क्या बात है। चलें, थैंक यू सो मच मुबारक भाई, थैंक यू सो मच। कटाकट जरूर देखिएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। पहचान गए, पहचान गई है। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर मिमिक्री आर्टिस्ट किसी को रिश्ता मना करवाना हो तो कॉल? हाँ हो सकता है, लाजमी। आप अपनी बेटे की शादी आपके बेटी से नहीं कर सकते। हमें पसंद नहीं आई। लेकिन आवाज़ें यार टैलेंट था। मुबारक भाई टैलेंट है आपका, कमाल टैलेंट है। अल्लाह आपको तरक्कियां दे, मजीद तरक्कियां दे। हमारी दुआएं आपके साथ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।